ग्राम पंचायत पांडवी के तहत आने वाले वार्ड नंबर 4 में मंगलवार रात को एक घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी हो गई। चोरी के इस वारदात का पता बुधवार सुबह के समय चला, जब पारिवारिक सदस्यों ने घर के ताले टूटे हुए देखे। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। चोरों ने बेडबॉक्स सहित ट्रंक में रखे हुए सारे सामान को इधर उधर बिखेर दिया था। जब सुबह परिवार के सदस्यों को इसका पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जा रहा है कि रात के समय पूरा परिवार पुराने घर में सोने चला गया था। पेटी का ताला भी तोड़ी था, अंदर पेटी में भी ताला था, सारा मतलब खोली था टूटी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भोटा से रमन कांत की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पांडवी के तहत आने वाले वार्ड नंबर 4 में मंगलवार रात को एक घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी हो गई। चोरी के इस वारदात का पता बुधवार सुबह के समय चला, जब पारिवारिक सदस्यों ने घर के ताले टूटे हुए देखे। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। चोरों ने बेडबॉक्स सहित ट्रंक में रखे हुए सारे सामान को इधर उधर बिखेर दिया था। जब सुबह परिवार के सदस्यों को इसका पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जा रहा है कि रात के समय पूरा परिवार पुराने घर में सोने चला गया था। पेटी का ताला भी तोड़ी था, अंदर पेटी में भी ताला था, सारा मतलब खोली था टूटी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भोटा से रमन कांत की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पांडवी के तहत आने वाले वार्ड नंबर 4 में मंगलवार रात को एक घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी हो गई। चोरी के इस वारदात का पता बुधवार सुबह के समय चला, जब पारिवारिक सदस्यों ने घर के ताले टूटे हुए देखे। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। चोरों ने बेडबॉक्स सहित ट्रंक में रखे हुए सारे सामान को इधर उधर बिखेर दिया था। जब सुबह परिवार के सदस्यों को इसका पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जा रहा है कि रात के समय पूरा परिवार पुराने घर में सोने चला गया था। पेटी का ताला भी तोड़ी था, अंदर पेटी में भी ताला था, सारा मतलब खोली था टूटी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भोटा से रमन कांत की रिपोर्ट।